चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का पहली बार दर्द फूट पड़ा है। रोजाना ट्रोलिंग का सामना करते हुए अनन्या अब थक चुकी हैं। हाल ही में अनन्या करण जौहर के शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। जब करण ने उनसे ट्रोलिंग को लेकर सवाल किया तो अनन्या ने वो सब कुछ कह दिया जो उनके दिलों में इतने दिनों से भरा हुआ था। ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए अनन्या ने कहा, बेशक ये मुद्दा मुझे बहुत प्रभावित करता है, खासकर जब लोग मेरे परिवार के सदस्यों को भी घसीट लेते हैं। मैं यहाँ बैठकर ये दिखावा नहीं कर सकती कि इससे मैं खुश हूँ या मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं इस चीज से निपट सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 19 साल की उम्र में जब आपको लगातार कहा जाता है कि आप बदसूरत हैं या आपका सीना बिल्कुल सपाट है, आप मुझे अलग निगाहों से देखते हैं या फिर मेरे माता पिता मेरी बहन का अपमान करते हैं, तो ये थोड़ा डरावना हो जाता है और कभी कभी मैं थोड़ा उदास हो जाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया है? अनन्या ने कहा कि वो अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करती हैं, वो काफी मेहनत करती हैं और हमेशा अपने काम के लिए ईमानदार रहती हैं। अनन्या ने आगे कहा, मुझे एक्टिंग पसंद है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मैं सिर्फ एक लड़की हूँ जो अपना काम करने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं पता कि मैंने लोगों को चोट पहुँचाने या ठेस पहुँचाने के लिए क्या गलत किया है, लेकिन मैं ये भी समझ सकती हूँ कि ऐसे लोग कहाँ से आते हैं और इसलिए ये ठीक है। अनन्या पांडे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली स्टार किड हैं। अनन्या ने साल 2019 में अपने करियर की शुरुआत करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से की थी। अनन्या जल्द ही विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर में नजर आने वाली हैं, जिसका वो खुलकर प्रमोशन कर रही हैं। फिलहाल अनन्या के इस दर्द पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।